कसाबान मोहल्ला स्थित पुलिस चौकी के सामने वाली गली में नालियों के बंद हो जाने के कारण नालियों का पानी गली के अंदर जमा हो रहा है, जिसके कारण यहां के निवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्या को लेकर क्षेत्रवासी की ओर से पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर अब तक कार्यवाही नहीं होने पर गुरुवार को कसाबान मोहल्ला क्षेत्र के निवासियों ने जिला कलेक्टर को पुनः ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि कसाबान मोहल्ले में पुलिस चौकी के सामने वाली गली जो कि नालों से नीचे है, यहाँ पर कुछ नालियों को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण गली के अंदर नालियों का पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर से नालियों को खुलवाने तथा क्षेत्र में विगत कई दिनों से बंद पड़ी रोड लाइटों को भी दुरुस्त करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मोहम्मद अफजल सिलावट, मोहम्मद हुसैन, नियारगर अनवर हुसैन मंसूरी, मोहम्मद इशाक अब्दुल सलाम, उस्ता जरीना बानो, मसीरी मोहम्मद दानिश तथा मोहम्मद सोयब आदि शामिल रहे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय साहब को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें वार्ड नंबर 16 में हो रही परेशानियों के बारे में अवगत कराया गया, जिसमें मेन विशेष ये थी कि पुलिस कसाबान मोहल्ला पुलिस चौकी के सामने गली के अंदर जहां राशन वितरण की दुकान भी उपस्थित है, वहां पर आए दिन नालियों का पानी रोड पर जमा हो जाता है, जिससे आने जाने वालों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। तो हमने जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए और आम जन को राहत दी जाए। आप हमारे मोहल्ले में आवे और आके आप देखें, और आपको जब भी मालूम पड़ेगी कि कितना पानी भरा रहता, पब्लिक को कितनी परेशानी होती है, पब्लिक किस तरह हैरान हो रही है, ये तो पब्लिक ही देखती है। और भी सबों पे छींटे इतना पानी गोडे तक भरा रहता है और इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। अभी तक हम परेशानी में हो रहे हैं और इसका सफाई और सड़क बनाई जाए, ताकि उस सड़क बने तो हमारे को निकलने की सुविधाएं अच्छी मिले। सड़क नहीं बनेगी जब तक पानी भरा रहेगा, जब तक हम कैसे रहेंगे ये आप बताइए। और बीमारी और सर्दी जुकाम बुखार, मतलब ये बीमारी तो चली रही है, अब उसमें से बच्चे निकलते हैं, मच्छर डेंगू होने का भी डर रहता है कि मच्छर हो रहे इतने, और कोई आके हमारी सुनवाई नहीं करता। हमने कई धक्के है ना फोटो के खेच खेच के दे दिए, पार्षद भी सुनवाई नहीं करता हमारी। हम तो जमींदार को भी कहते हैं, वो भी हाँ करवा दूंगा, आज दो दो साल हो गई नाले भी नहीं निकले हुए, इस तरीके से भर रहा है वो पूरा।